रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सियासत गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। दीपक बैज ने पत्र में लिखा कि एक आदिवासी होने के नाते, एक आदिवासी नेता होने के नाते कुछ जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखने जाने चाहिए, और इसी के साथ बैज ने साय सरकार पर निशाना साधा। हम लोग नई रणनीति बनाएंगे और आदिवासी समाज में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। ये आक्रोश न सरकार की योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आदिवासी समाज को इस सरकार में प्रताड़ना के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए आदिवासी समाज आक्रोशित इस सरकार के खिलाफ में है। अगर लगातार मौतें हो रही है, हम मीडिया पेपरों के माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं, तो प्रदेश में अगर मौतें हो रही है, अगर सरकार उसको कंट्रोल अगर बोल रही है, मैं समझता हूं सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में चली गई है। दवा खरीदी और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमीशन खोरी में लग गई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही क्यों, पूरी सरकार कमीशन खोरी में लग गई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था के चलते मासूम आदिवासियों की डायरिया और मलेरिया से मौतें हो रही है, जो हमारी सरकार में नहीं हुई, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर चली गई है और इसका कोई भी नियंत्रण सरकार में नहीं है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से खबर है। 45 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, सांकरा थाना क्षेत्र का मामला। मृतक युवक का किया गया ससुराल से, और मृतक के शरीर से कई जगह चोट के निशान परिजन जता रहे हैं। हत्या की आशंका, सांकरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं और परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। मृतक युवक गया हुआ था ससुराल और इसी वक्त संदिग्ध अवस्था में शव मिला। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की परंपरा को विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत साल 1994 में तब हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा से 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र ने पहली बैठक आयोजित की थी। आदिवासी समुदायों का दुनिया भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक महत्व है। हालांकि वे अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और विकास के लाभों से भी अछूते रह जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है कि उनकी समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करना। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में माध्यम से आदिवासी समुदायों के प्रति जागरूकता लाना। आइए जानते हैं कि आदिवासी दिवस में क्या हो रहा है बस्तर और छत्तीसगढ़ में। आज भी नक्सलवाद हावी है। खुशी लग रहा है, जैसे मेरा नाम धर्मराम मंडावी है। अब विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त तक मनाया जा रहा है। सारे अपना बस्तर संभाग अलग अलग गांव क्षेत्र में भी मनाया जा रहा है और ये मुख्यालय में मनाया जा रहा है। सभी हम बस्तर जिले के लोग इकट्ठा हुए हैं। आदिवासी दिवस को लेकर हम लोग 9 अगस्त को लेकर बहुत ही बड़ा तैयारी के उसमें लगे रहते हैं। आज हमारा एक महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग सब जानते होंगे कि 9 अगस्त एक यूएन से जो एक प्रस्ताव पारित हुआ कि विश्व में आदिवासियों की रक्षा के लिए, आदिवासियों की एकता के लिए और आदिवासियों की विस्तार के लिए, क्योंकि कई देश ऐसा है जिसमें आदिवासी घटते जा रहे हैं, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने चिंता जाहिर करते हुए पूरे विश्व में एक दिन आदिवासी दिवस मनाने का। एक और विश्व आदिवासी दिवस आज बस्तर सहित पूरे जगदलपुर में मनाया जा रहा है।
और दूसरी ओर नक्सलियों ने आदिवासी दिवस को लड़ाकू दिवस मनाने की घोषणा की गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस तरफ किस तरह भीड़ का माहौल है और कहीं ना कहीं आदिवासी दिवस को लेकर काफ़ी पुरजोर से तैयारियां हैं। वहीं आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर नक्सलवाद छोड़कर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए। वहीं आदिवासी दिवस को लेकर प्रशासन पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है, कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हादसा ना हो जाए उससे निपटने की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरोप राजपुर जगतपुर बस्तर।